हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आया है DSSSB की तरफ से। उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिन्होंने भी DSSSB के फॉर्म भरे थे। पोस्ट कोड, अभी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर थी, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20 और पोस्ट कोड 1/20, 88/20, 90/20 से लेकर 116/20, यानी कि आपको फोटो अपलोड करना था वो वाले, उन वाली पोस्ट के लिए नोटिस आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये है इम्पोर्टेंस नोटिस है फॉर पोस्ट कोड 1/20 से 88/20 और 90/20 से 116/20 के लिए OARS ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए। तो DSSSB वाइड इट अर्लियर नोटिस ऑफ इवन जो 29 जनवरी को नोटिस आया था, 29 जनवरी 2021 को, उसमें बोला गया था कि सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/20, 2/20, 3/20, 4/20 और 5/20 और पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया है 1/20 से लेकर 116/20 तक, उन लोगों को क्या करना है, OARS रजिस्ट्रेशन में अपडेट करना है अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये फैसिलिटी आप लोगों को दी गई थी कि आप 1 फरवरी से 21 फरवरी तक ये आप कर सकते हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आए, लोगों के बहुत सारे ईमेल्स भी आए, हमें भी आए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि साइट नहीं चल रही है, या उनको अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है, या अपलोड करने के बाद भी बोल रहा है कि अगेन से अपलोड करो, या विदाउट अपलोड ही बोल रहा है कि नथिंग पेंडिंग। तो इस तरीके के बहुत सारे SMS, बहुत सारे मेल थे जो DSSSB को भी मिले। तो एज ए लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी गई है, तो फैसिलिटी एक्सटेंड कर दी गई है 2 वीक्स की। अगर अभी तक भी आप ने अपना फोटो और अपना आईडी कार्ड अपलोड नहीं किया है तो आप 22 फरवरी से 7 मार्च तक अपलोड कर सकते हैं। डिटेल गाइडलाइंस दी गई है OARS पोर्टल पर और वेबसाइट पर DSSSB के पे। जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया था OARS का, हैव टू अपलोड आईडी प्रूफ एंड आल्सो अपलोड लेटेस्ट पासवर्ड क्लियरली शोइंग देयर फेस बोथ यस एंड अगेंस्ट ईच ऑफिसर एप्लीकेशन। तो जो जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है तो वो ऑलरेडी अपलोड कर सकते हैं। तो आईडी प्रूफ एंटर्ड बाय द एप्लीकेशन विल बी क्रॉस चेक होगा टाइम ऑफ एग्जामिनेशन टाइम पे, और सबमिशन ऑफ ई डोजियर होगा अगर शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो। तो 5/7 का जो आपका फोटोग्राफ है वो आपके एडमिट कार्ड का ही पार्ट होगा। तो कैंडिडेट्स आर अगेन एडवाइज टू अपडेट द अबव सेड डिटेल्स थ्रू देयर रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बाय 7 मार्च तक कर सकते हैं। अगर उन लोगों ने अपलोड नहीं किया है तो अभी टाइम है, अभी आप लोग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CTET, DSSSB, KVS, NVS, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, या फिर SSC, बैंकिंग, रेलवे, तो आप इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर, तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे study_portal_2020 से, फेसबुक से आप हमें कर सकते हैं स्टडी पोर्टल के नाम से पेज और ग्रुप पे, और टेलीग्राम से स्टडी पोर्टल, टेलीग्राम पर भी स्टडी पोर्टल के नाम से आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 8447410108 पर हमें व्हाट्सएप कर देना है आपका नाम, अपना शहर, अपना एग्जाम और अपना सब्जेक्ट लिख के। एग्जाम्पल के लिए आपका नाम रितु है, आप दिल्ली से हैं, KVS है, पॉलिटी है, इस तरीके से आपको लिखना है ताकि हम आपका नंबर को सेव कर पाए और जैसे कोई भी आपके एग्जाम से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपको मिल जाए। तो चलिए अब नोटिस देखें।